देखो, पहली बात तो ये है कि सारे कार्यकर्ता जो लोग हैं वो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरे को कल से ही बधाई चालू हुई है और काफ़ी लोग आके जा रहे हैं, काफ़ी लोग। और ये क्या है कि जीवन में आने के बाद सबसे प्यार मोहब्बत से रहने का एक उसका एक नमूना है। थैंक यू। हाँ सर, बात करेंगे कि हर कोई संकल्प लेता है अपने जन्मदिन पर। आपने क्या संकल्प लिया आने वाला विधानसभा भी नहीं है? बाबा मेरा संकल्प यही है कि बाबा मेरी जो पार्टी है, आज मेरा पार्टी का भी वर्धापन दिन है, तो मेरी पार्टी बड़े बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जो है वो पूरे देश में लोगों तक पहुँचे, और जहाँ पे अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पे हम लोग सब पार्टी वर्कर सब खड़े रह के उनको सपोर्ट करेंगे और पार्टी बढ़े, यही संकल्प। थैंक यू सर। अगर पिछला चुनाव की अगर बात करें, जो लोकसभा चुनाव भी जीता है, जिस गठबंधन में आप थे वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, खासकर चेंबूर में भी और दक्षिण मध्य मुंबई में भी अच्छा रिजल्ट आया है, सांसद चुनकर आए, किस तरह आगे की योजना के बारे में सोचा आपने? क्या आगे मिल के बातचीत करेंगे हम लोग को उनसे, अभी उद्धव साहब जी है, अनिल देसाई है, सारे मिलके डिस्कस करेंगे, वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भी महापालिका भी चुनाव आ रहे हैं, तो उसके ऊपर दौरान पर क्या रहेगा? नहीं, हम लोग का युति तो रहेगी, साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, जो कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश? बाहर से भी आ रहे हैं? नहीं, बाहर से जो भी कार्यकर्ता आ रहे उनको यही है कि आप सब लोग प्यार मोहब्बत मुझे देने के लिए आए हैं, और प्यार से अब अपने प्यार से सही सलामत घर पे चले जाओ, रास्ते में किधर रुको मत, काफ़ी बारिश का भी टाइम है, बारिश का भी मौसम है, तो सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि मतलब थोड़ा संभाल के रहना। थैंक यू। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।